हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो बात करें, एक मैच होने वाला है एफ्रो बास्केट लीग का, जो कि बास्केटबॉल का सीपीबी वर्सेस टीयूएन के बीच मैच है। बट बास्केटबॉल की टीम में फाइनल अपडेट नहीं करता, बस ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम की है। बट मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे क्रिकेट एंड फुटबॉल टीम्स आती हैं ओपन, तो इस पर आप जुड़ सकते हैं, इसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी तरह की चीज़ को प्रस्तावित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ, नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव है। और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं फिर बता रहा हूँ, वीडियो टिल एंड तक देखना। तो चलते हैं आगे, तो बात करें इस मैच की। तो यहाँ पे देखो, सीपीबी वर्सेस टीयूएन के अंदर मेरे को एक चेंज करना था जो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पे पावर फॉरवर्ड एंड सेंटर पोजीशन बहुत तगड़ी है दोनों टीम्स की। जबकि ये जो मेन पोजीशन तो आप छोड़ नहीं सकते, जो भी फेर बदलाव आपने करने हैं वो आप स्मॉल फॉरवर्ड, शूटिंग गार्ड एंड पॉइंट गार्ड में से करेंगे। बाकी अनदर चेंजेस तो आप कर ही नहीं पाएंगे, बहुत बहुत ज़्यादा क्रेडिट इशू है इस मैच में। तो मैं यही बोलूँगा, अगर स्किप कर सकें देन बेटर टू स्किप। तो बात करें पॉइंट गार्ड की, यहाँ से लूँगा पहला प्लेयर एंडरसन कोरिया। एज यू नो कि ये प्लेयर स्टार्टर फाइव में आया ना है, लेकिन प्लेइंग मिनट इसको लिमिटेड ही मिलते हैं, तो जिस कारण उसका मतलब ही नहीं रह गया ना लाइनअप्स का, इसमें मतलब ही नहीं रह गया कि अगर आप लाइनअप्स देखते हैं स्टार्टर फाइव में होगा भी तब भी उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, देन यहाँ से लूँगा एचआरएफ को। देन एचआरएफ को भी मैंने सिर्फ क्रेडिट मेंटेनेंस के लिए लिया, क्योंकि क्रेडिट मेंटेन यहाँ पर हमें करने हैं, तो दैट्स वाई इस प्लेयर के साथ में जा रहा हूँ। एंड आगे से बात करूँ शूटिंग गार्ड की, एन मैब्रोक को लूँगा। देन मोरद एल मैब्रोक, जो कि एवरेज प्लेयर है, बट ये पॉइंट एवरेज दे देते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 पॉइंट से मात खा गया, 1.5 पॉइंट से, क्योंकि मेरे को रोल के साथ जाना था। रोल इज़ अ गुड प्लेयर, बट अगर मैं रोल को लूँगा तो मुझे छोड़ना पड़ जाएगा जे एलमेडिया या फिर आर एस लेमिन, तो जो कि इसकी जगह कोई अनदर प्लेयर आ ही नहीं सकता, तो ये भी मजबूरी है मेरी। बात करें यहाँ पे ले रहा हूँ नेक्स्ट प्लेयर आपको बताया, जैसे कि रेड हॉर्न स्लेमिन, ये प्लेयर भी एवरेज खेलता है। मैंने पॉइंट गार्ड, शूटिंग गार्ड एंड स्मॉल फॉरवर्डर की एवरेज है दोनों टीम्स की। बाकी जो ग्रेटेस्ट प्लेयर जहां से शुरू होते हैं, पहला प्लेयर है एम बेन। देखो, जो लोग एम बेन को छोड़ेंगे वो लोग लेंगे एम रोल को, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन रोल से ज्यादा पॉइंट्स और अच्छी प्लेइंग और ज्यादा प्लेइंग मिनट एम बेन को मिलते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आपको एम बेन के साथ जाना चाहिए, भले आपको कोई भी राय दे रहा हो, लेकिन मेरी राय ये है। बाकी जे एल मैडिया की बात करें, देन एल मैडिया इज अ गुड प्लेयर, इसको मेरा छोड़ने का मन ही नहीं किया, क्योंकि स्टार्टर फाइव में प्लेयर आएगा तो कैसे छोड़ दोगे आप, और उसको मैक्सिमम मिनट भी मिलते हैं खेलने को। बाकी ये मायने नहीं रखता स्टार्टर फाइव में है कि नहीं, बाकी प्लेइंग मिनट कितने मिल रहे हैं और प्लेइंग कैसी है वो मायने रखती है। बात करें सेंटर पोजीशन की, देन डब्ल्यू तैवरेस को तो अच्छी तरह जानते ही होंगे, द ग्रेटेस्ट चॉइस फॉर कैप्टन। कैप्टन तो किसी और की तरफ आप मुड़के भी नहीं देखेंगे, क्योंकि इट्स अ गुड प्लेयर और चलता ही चलता है भाई, ऑलमोस्ट चलता ही है ये प्लेयर, ऐसी बात नहीं है। बात करें मेजरी की, देन यहाँ से लूँगा सलाह मेजरी को, इट्स अ गुड प्लेयर फॉर वाइस कैप्टन। एंड कैप्टन तो नहीं रख पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी कैप्टन चॉइस बहुत अच्छी दे रहा हूँ, बट ये जो प्लेयर है वाइस कैप्टन के लिए बेस्ट है। आगे से बात करें कैप्टन की, तो कैप्टन तो डब्ल्यू तैवरेस, वाइस कैप्टन मेजरी। तो ये रही मेरी टीम, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।